जय माँ सरस्वती। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। नाम है जिसका एग्जाम गढ़। जल्दी से आ जाएं सभी। स्वागत है आप सभी का। सर आवाज वाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बताएं जरा। चलिए सर, थोड़ा हम पहुंच गए थे जो हमने पढ़ी थी स्वर और व्यंजन, ये हमने पढ़ लिए थे। और इसके अलावा कैसे शब्द बनाए जाते हैं उसकी प्रैक्टिस हमने कराई थी लास्ट क्लास में। आज हम और हमने बता भी दिया था आपसे, जो अभ्यासें बताई थी हमने 13 अभ्यास तक हमने बता दिया था आपको करके लाना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शिवानी सिंह, स्वागत है आपका। 13 नंबर अभ्यास तक हमने आपसे कह दिया था आपको घर से करनी थी, काफ़ी दिन की छुट्टी भी हो चुकी है, आपने कर ली होंगी। और 14 नंबर की जो अभ्यास आपकी है, इस अभ्यास से पहले कुछ शब्दचिन्ह आपके आते हैं, वो हम आपको आज बता देंगे, याद भी करा देंगे। थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी है, याद कर लेने हैं थोड़े से। चलिए सर, उन्हीं शब्दचिन्हों को हम आपको बताना चाह रहे हैं, आप देखिएगा ज़रा। कहो तो थोड़ी प्रैक्टिस पिछली करा दें। नहीं, ठीक है। देखिए शब्दचिन्ह है एक का, दो का, और हैं ऊपर, पे कैसे लिखेंगे, पर कैसे लिखेंगे, और है मे, है और हो, ऐसे ही हैं बिंदी वाला, और हूँ। उसके बाद आपका है का, को, की, ये वाली की, या फिर के। इतने शब्दचिन्ह आपकी सबसे पहले जब शुरू होते हैं, पहले शब्दचिन्ह इस तरह के हैं। अभी तक हम एक को कैसे लिख रहे थे, हमने बताया था आपको, एक को हम इस तरह से लिख रहे थे, ये कह था, इस पर एक ही मात्रा लगा रखी थी, यही तो ऐसे लिख रहे थे, एक ही मात्रा पढ़ रहे थे और कह, क्या हो गया एक। लेकिन अब ऐसे नहीं पढ़ना, और शॉर्ट करना है। कैसे, ये आपकी लाइन है, बुक की लाइन है, उसके ऊपर एक छोटा सा एक ऐसे बिंदा लगा के चलना है, जैसे हम एक ही मात्रा का बिंदा भी लगा रहे थे ना, ऐसे के बना रहे थे, पहले स्थान पे ये ए था, दूसरे स्थान पे ए था, और तीसरे स्थान पे ई था, यही तो था। या फिर डैश लगा रहे थे, तो ये आ, ये ओ और ये ऊ, ऐसे ही था। तो ये जो एक ही मात्रा थी दूसरे स्थान वाली, यही बिंदा यहाँ से उठाना है, यहाँ पे लगा देना। कै नहीं बनाना अब आपको, कै नहीं बनाना है, ऐसे एक लिखा जाना है। इसी बिंदे को अगर मैं लाइन पे बना दूँ यहाँ पे, तो ये पढ़ा जाएगा आपका दो। इसी बिंदे को यदि मैंने लाइन पे बना दिया है, तो ये दो पढ़ा जाएगा। ठीक है सर, याद करते चलें अभी से ही, ज़्यादा भारी नहीं है। एक बिंदा यदि मैं लाइन से थोड़ा ऊपर लगा दूं, क्या पढ़ा जाएगा, एक। उसी को लाइन पे बना दूं, क्या पढ़ा जाएगा, दो। कुछ नहीं करना, जैसे हम टे वर्ग बना रहे थे ना ऐसे, तो इसी को हमें ऊपर वाला भाग इसका ले लेना है ऐसे, ये ऊपर वाला। तो मेरा कहने का मतलब है, यदि मैं ये इतना सा चिन्ह अगर बना दूं लाइन से ऊपर, तो आपका क्या पढ़ा जाएगा, ऊपर, क्योंकि ये ऊपर ही है, ऊपर ही बनाया ना, इसलिए क्या पढ़ा जाएगा, ऊपर। और पे और पर ये पढ़ा जाएगा, ठीक। उसके बाद मे पढ़ा जाना है, मे अभी तक हम कैसे लिख रहे थे, ऐसे लिख रहे थे ना, मे में, अब ऐसे नहीं लिखना, अब कैसे लिखना है, मे में लिखना है, इसको लाइन पे बना देना, ठीक है सर। कोई दिक्कत, किसी को यदि कोई दिक्कत हो तो बताएं।
ठीक है सर, एक बिंदा यदि मैं लाइन से ऊपर बना दूं क्या पढ़ा जाएगा? एक। लाइन पे बना दूं दो, ऊपर यदि मैं छोटा सा चिन्ह बना दूं क्या बनेगा? ऊपर पे और पर पढ़ा जाएगा। मैं अगर लिखना है मुझे लाइन पे एक छोटा सा चिन्ह बनाना, सीधा 90 डिग्री पे एक छोटा सा चिन्ह बना देना, उसके बाद अब आपका आता है और हो। ये लाइन है हमारी, तो अभी तक हमें कैसे बना रहे थे? है ऐसे बना रहे थे ना, है या फिर ऐसे है बना रहे थे। तो इस वाले है को तो छोड़ दो, भूल जाओ अभी, इस वाले है को देखो। तो इसी है का छोटा रूप ले लेना है हमें, कहाँ पे लेना है? ये इतना काट दो, इतना ले लो। माने कहने का मतलब ये है, यदि मैं छोटा करके है बना दूं, लाइन से ऊपर बना दूं, क्या पढ़ा जाएगा? है और हो। लाइन से ऊपर यदि मैंने छोटा सा है बना दिया तो ये पढ़ा जाएगा है। अब देखो, हल्का है तभी तो ऊपर है, कोई चीज़ हल्की है तभी तो वो हवा में हो सकती है, और जब भारी हो जाएगी तो कहाँ आ जाएगी? ज़मीन पे। ये आपकी ज़मीन है इतनी, ये समझ लीजिए। तो इस पे एक बिंदी अतिरिक्त आ गई, इस पे भी बिंदी अतिरिक्त आ गई। जब ये बिंदी अतिरिक्त हुई तो इसमें वजन हुआ, जब ये वजन हुआ तो इसको कहाँ बना दिया? लाइन पे। लाइन से वजन नहीं था अभी, कहाँ है? ऊपर। जब ये बिंदी आई और इसमें वजन हुआ तो ये कहाँ आ गई? लाइन पे। कहने का मतलब है, यदि लाइन से ऊपर मैं छोटा सा है बना दूंगा तो पढ़ा जाएगा है और हो, यदि उसी को लाइन पे बना दूंगा तो वो पढ़ा जाएगा है और हूँ, बिंदी वाला। ठीक, उसके बाद है का और को। देख लीजिए, एक वर्ग आता है हमारा, ये वाला क्या था? प वर्ग। इसी के टुकड़े कर लिए, ये ऊपर का भाग लिया इसका। तो यदि मुझे पढ़ना है का, तो लाइन से ऊपर ये छोटा सा बनाऊंगा, ये पढ़ा जाएगा आपका का। ठीक, अब बताइए इसमें और इसमें अतिरिक्त क्या है? ये इतनी मात्रा अतिरिक्त है कि नहीं है? ये मात्रा, इसको ऐसी आप आकार में देख लें, खाली वैसे ना देखें, आकार में देखो, ये ज़्यादा है, वजन ज़्यादा हुआ, जब ज़्यादा हुआ तो कहाँ आएगा? लाइन पे। ऊपर से नीचे की तरफ बनाना, ऊपर अगर ये बना दूँ तो का, लाइन पे बना दूँ तो को। ऐसे ही एक हम व्यंजन ऐसे बना रहे थे, कौन सा था? चैबर्ग। इसी का ऊपर का भाग ले लो, ये वाला। क्या करूँ? की और की, लाइन से ऊपर बना दूंगा तो की, और इसे लाइन पे बना दूंगा तो के। अच्छे से समझ में आपके आ गया होगा, एक बार और देख लो। लाइन पे एक बिंदी मैंने बनाई तो ये पढ़ा गया दो, लेकिन मैं इसको लाइन से ऊपर एक बिंदी लगा दूं, ये पढ़ा जाएगा एक। लाइन पे बना दूं दो, ये बना दिया मैंने ऊपर तो ये पढ़ा गया ऊपर, पे और पर, तीनों चीज पढ़ा जाएगी। अब आप कहें कि एक ही चीज़ तीन कैसे हैं? जैसे ही सेंटेंस आएगा आपको खुद पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कैसे है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, इसी को मैंने लाइन पे बना दिया तो ये पढ़ा गया मैं। ठीक, ये क्या बना रहा था मैं? है। इसी को छोटा कर दिया, ऊपर पहुंच गया ये, जब ऊपर पहुंच गया तो ये था है और हो। अब इस पे मैंने बिंदी अतिरिक्त कर दी, बिंदी, तो देखो इसमें वजन होगा कि नहीं? इसमें भी वजन होगा, तो ये वजन हुआ तो कहाँ आ गई? लाइन पे। कहा नीचे लाइन पे क्या हुआ? हैं और हूँ, दो चीज़ पड़ी जाएगी। जब इसी को मैं लाइन पे बना दूंगा तो हैं और हूँ। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करना है? यदि मैं, ये क्या था? प वर्ग। इसी प के ऊपर वाले टुकड़े को मैंने लिया, यदि मैं ऊपर बना दूं इसको तो ये पढ़ा जाता है आपका का, और यदि इसी को मैं नीचे बना दूं ऐसे करके ये पढ़ा जाएगा को। ठीक है सर, ये क्या था? चैबर्ग। इसी का ऊपर वाला भाग ले लिया, कहने का मतलब है यदि मैं यहाँ ऐसे बना दूं ये क्या पढ़ा जाएगा आपका? की और की, दोनों। आप कहेंगे दोनों कैसे? जब सेंटेंस आएगा आपको स्वयं पता चल जाएगा कौन सी वाली की कहाँ आनी है। इसी को लाइन पर बना दूं ये पढ़ा जाएगा के, बहुत सिंपल है। यहाँ देख लो, ये क्या है? एक, ये दो, ये ऊपर पेपर, ये मैं, ये क्या हुआ? जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। का, ये को, ये की और ये के। ऐसे ही यदि है मैं ऊपर बना दूँ लाइन से, लाइन से ऊपर मैंने है बनाया तो ये पढ़ा गया है और हो, और इसी को लाइन पे बनाया तो क्या पढ़ा गया? है और हो। ये थोड़े से सब चिन्ह। 14 नंबर की जो अभ्यास है
इस 14 नंबर के अभ्यास से पहले ये सब चिन्ह आते हैं। जब आप 14 नंबर के अभ्यास बनाएंगे उससे पहले इन सब चिन्हों को आपको पढ़ना है, और उसके बाद आपको बनानी है 14 नंबर के अभ्यास। बहुत सिंपल है, बार बार प्रैक्टिस आपको इनकी करनी है। बार बार से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए सर, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, देख लीजिए आप। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। ये एक बिंदी बनाई थी मैंने, क्या पढ़ा गया था? एक लाइन पे बना दिया था तो क्या पढ़ गया? दो है बनाया था मैंने लाइन से ऊपर, ये क्या पढ़ा गया था? है और हो, इसी को मैंने लाइन पे बना दिया था, क्या पढ़ा गया था? है और हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने लाइन पे ये बनाया था, क्या बनाया था? ऊपर, क्योंकि ऊपर ही बना है लाइन से, ऊपर पे और पर, ठीक है। लाइन पे बना दिया था तो क्या बना था? मैं, ठीक। ऐसे ही ये बनाया था मैंने छोटा सा चिन्ह, जो पे वर्ग था उसका ऊपर का भाग बनाया था छोटा सा, ये क्या बना था आपका? का। इसी को लाइन पे बना दिया था तो को। ऐसे ही जो आपका चे वर्ग था उसका ऊपरी भाग मैंने लिया था थोड़ा सा, ये बना था की और की, ऐसे लाइन पे बना दिया था तो के। इतनी सी चीज़ है, बार बार आपको रिवाइज करनी है। सावेश अली, अच्छा सावेश जी रामपुर से जुड़ रहे हैं स्वागत है सावेश जी आपका। सर लाइव चल रहे हो? हाँ भैया लाइव चल रहे हैं। सावेश ये सब तो आपके पढ़े हुए हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे सर। बिंदी लगा दी, क्या पढ़ा गया? एक लाइन पे लगा बना दूं तो दो है को मैंने ऊपर बना दिया तो क्या पढ़ा गया? है और हो, कौन सा है और हो, लेकिन इसी पे मैंने बिंदी और अतिरिक्त लगा दी ऐसे करके। एक तो है ये है, इस पे बिंदी लगा दूं तो अतिरिक्त भार हुआ इस पे, नहीं वजन हो गया होगा बिंदी लग के, थोड़ा तो वजन हुआ होगा तो ये लाइन पे आ गई। अभी हल्की थी तो लाइन से ऊपर थी यानी हवा में थी, फिर कहाँ आ जाएगी? धरती पे है और हूँ, कोई दिक्कत? ऊपर बना दिया मैंने एक चिन्ह, क्या बना? ऊपर पे और पर, नीचे बना दिया में, ये मैंने कौन सा वर्ग लिया था? शेर बहादुर स्वागत है भैया आपका भी ये मैंने कौन सा वर्ग लिया था? पै वर्ग, पै वर्ग का ऊपर हिस्सा क्या बना था? का। नीचे बना दिया था तो को, देखो मैंने बताया भी था याद करने का, ये इतना ज्यादा है कि नहीं है इसमें, ये अतिरिक्त हुआ इतना भाग तो वजन हुआ लाइन पे आ गया। ऐसे ये लिया मैंने चे वर्ग का ऊपरी हिस्सा, क्या था? की और की, लाइन पे बना दिया था तो के। थोड़े से सब चिन्ह बार बार इनको रिवाइज करना है आपको और याद करना है। उसके बाद 14 नंबर के अभ्यास आपको घर से बनानी है इन्हीं सब चीज़ों से, जहाँ पे आपका जैसे जहाँ पे भी एक आएगा तो आप एक ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको एक है तो बिंदा ही लगा के चलना है। ऐसे नहीं लिखोगे कि आपने कै बनाया और बिंदी लगाई, नहीं, लाइन ये है इस पर ऐसे बिंदी लगाएंगे। दो लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, कहीं पर है आ गया तो क्या करना है आपको? लाइन से ऊपर ऐसे है बनाना है। हो आ जाएगा कहीं पर तो क्या करना है? लाइन से ऊपर ऐसे बनाना। कहीं पे की आएगा तो आप ऐसे करके की नहीं लिखोगे, कैसे लिखोगे? ये की पढ़ा जाएगा, इस तरह से लिखना है आपको। भूपेंद्र कुमार गौतम, सर जी थोड़ा बड़ा करके लिखो सर जी। अच्छा भैया, अच्छा हल्का लिखा जा रहा है, एक बार देख लेंगे सभी दोबारा से, बड़ा करके लिख देते हैं।
कपिल कुमार जी, धन्यवाद भैया। देखो भैया, लाइन से ऊपर एक बिंदी बनाई मैंने, जो बिंदी लगाई क्या पढ़ा गया? एक है एक, वो भूल जाओ कि आपने क्या बनाया और बिंदी लगाई, ये मात्रा लगा के, ये नहीं लिखना अब आपको, जल्दी जल्दी लिखना। कैसे? ऐसे लाइन पे एक बिंदी बना दूं तो क्या पढ़ा जाएगा? दो दो, कोई दिक्कत है? बनाते हैं हम इस तरह से, छोटा कर लिया इसको, लाइन से ऊपर यदि मैं इस तरह से छोटा सा है बना दूं, बड़ा करके दिखाता हूं आपको, बात तो वही है, छोटा सा है बनाया मैंने लाइन पे, तो ये पढ़ा गया आपका है, और क्या पढ़ा गया? हो। इसी को मैंने लाइन पे बना दिया, क्या पढ़ा जाएगा? अतिरिक्त आनी है क्या? बिंदी और हूँ, ठीक है सर। फिर लाइन देख लो, लाइन के ऊपर मैंने ये बनाया, बड़ा करके दिखा देता हूँ, क्या बना? ऊपर बनाया है तो ऊपर ही है, और पे है और पर है, तीन चीज़ें पड़ी जाएंगी हमेशा। यदि ऐसा चिन्ह आप लाइन से ऊपर बना दोगे तो ये ऊपर पढ़ा जाएगा, यही पढ़ा जाएगा पे, और यही पढ़ा जाएगा पर, ठीक है। गुरुजी आपको लाइव देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा, धन्यवाद। साबेश जी क्या बात है। देखिए भैया, लाइन से ऊपर लिखेंगे, ऊपर पे और पर, इसी को मैंने लाइन पे बना दिया तो क्या पढ़ूंगा? मे। फिर क्या किया था? ये पे वर्ग था, सॉरी चे वर्ग था, चे वर्ग का ऊपरी भाग लिया था, ये क्या पढ़ा गया था आपका? की और की, यही है, इसी को लाइन पे बना दिया था तो ये पढ़ा गया के, ठीक है सर। फिर पे वर्ग का ऊपरी हिस्सा लिया था ये वाला, ये क्या पढ़ा गया था? का, और इसी को लाइन पे बना दिया था तो ये पढ़ा गया था को। कोई दिक्कत? वो थोड़े से सब चिन्ह है इसमें, ज़्यादा नहीं है, याद आपको करने हैं, 14 नंबर की अभ्यास आपको बनानी है, जब आप इसको बना लेंगे धीरे धीरे, याद कराना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है, इसमें से भी जो मोस्ट है वो मैं बता देता हूँ, ये मैं आपको इतना नहीं, आगे जाके चेंज करना पड़ेगा इसको, चाहे ना करें, ये वाले आपके मोस्ट हैं, ये याद करने हैं, ये वाले भी याद ही करने हैं, क्योंकि ये आगे तक काम देंगे। इसमें है और हूँ वाला जो है ये आपको आगे याद करने हैं, एक और दो वाले तो सिंपल हैं, ये याद हो गए होंगे, तीन ये आपको याद करने हैं, है का, हो का, हूँ और हूँ, की, के की, ये वाले आपको याद करने हैं, बाकी जो ऊपर पेपर है वैसे याद हो जाता है, मैं वाला थोड़ा आगे जाके चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैं प्रेशर नहीं करूँगा कि आप इसको याद करें, बाकी आपको याद ही करने हैं, एक बार और रिवाइज कर लेंगे। ये क्या है? एक, नीचे लगा दूं तो दो, ऊपर है बना दूं तो है और हो, लाइन पे बना दूं तो है और हूँ, ऊपर बना दूं तो ऊपर, पे और पर, लाइन पे बना दूं तो मैं, ये बना दूं यहाँ पे ऐसे, जो चे वर्ग है उसका ऊपरी भाग बना दूं तो ये बनता है की और की, इसको लाइन पे बना दूं तो ये बन जाता है के। पे वर्ग का ऊपरी हिस्सा लिया, ऊपर वाला पे वर्ग ये है ना, ये पे है, इसका ऊपर वाला लिया, क्या बना? के अका। ऐसे ही इसको नीचे वाला हिस्सा ले लिया अब इसका, तो ये क्या बना? के ओकू। बहुत आराम से है, सिंपल है, याद हो जाएंगे। सर जी मैंने आपकी क्लास शेयर कर दी, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, इन्हें याद करेंगे, 14 नंबर की अभ्यास आपको बनानी है, और उसके बाद कल जब क्लास में लूंगा तो 14 नंबर की अभ्यास में जिसकी जो प्रॉब्लम हो, मान लीजिए पहली वाली लाइन में अगर कोई शब्द नहीं बन रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, दूसरी वाली लाइन में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, यहाँ तक कि 10 तक में कौन सा भी शब्द आपसे ना बने, आप कल मुझसे पूछेंगे, और इन सब चिन्हों को सबसे ज़्यादा याद करेंगे आप। उसके बाद जो 14 अभ्यास के बाद 15 अभ्यास से पहले जो सब चिन्ह है वो कल मैं आपको याद कराने वाला हूँ, सारे याद करा के चलूंगा, आपको कुछ याद नहीं करना है, घर पे थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना है सर। धन्यवाद, जय माँ सरस्वती, धन्यवाद।